पूर्व बर्धमान जिले के कालना थाना क्षेत्र के साहापुर कृषि सहकारिता उन्नयन समिति के मैनेजर अशोक विश्वास की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बुधवार को मृतक के परिजनों व स्थानीय लोगों ने मिलकर सड़क अवरोध कर दिया। ये लोग अशोक विश्वास की मौत के मामले की नई सिरे से जांच की मांग कर रहे थे। अवरोध हटाने पहुंची पुलिस के साथ लोगों की तीखी नोकझोंक हुई और धक्का मुक्की भी हुई। जानकारी के अनुसार समिति के मैनेजर अशोक विश्वास को उनके कार्यालय से मृत हालत में बरामद किया गया था, जबकि समिति का कैशियर बीमार हालत में मिला था। शुरुआती तौर पर पुलिस ने इसे अस्वाभाविक मौत का मामला बताया था, हालांकि मृतक के परिजन इसे अस्वाभाविक मौत मानने के लिए तैयार नहीं है। परिजनों व स्थानीय लोगों ने साहापुर के निकट एसटीके के रोड पर अवरोध कर दिया। अवरोध के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई, साथ ही वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों में काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी और हाथ में बैनर लेकर अशोक विश्वास की मौत की निष्पक्ष जांच कर दोषी को कड़ी सजा देने की मांग कर रही थी। पुलिस जब अवरोध हटाने पहुंची तो लोगों ने कड़ा विरोध किया। खासतौर पर महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को खूब खरी खोटी सुनाई। अवरोध हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों से कहा गया कि वे नए सिरे से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएं, तब जाकर अवरोध हटाया गया। मृतक के भाई समीर विश्वास ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अशोक विश्वास की मौत गैस की वजह से बताई गई है, परंतु उन्हें इस बात पर थोड़ा भी यकीन नहीं है। उन्हें शक है कि अशोक की हत्या की गई थी, इसलिए वे इस मामले की नए सिरे से निष्पक्ष जांच चाहते हैं। একুশ সাত আঠারো তারিখ শনিবার ভাই মারা যায়। পোস্টমর্টম রিপোর্ট দিয়েছে যে এটা গ্যাসে মৃত্যু, কিন্তু আমরা এটা মেনে নিতে পারছি না। কারণ সামান্য ওই মিনি জেনারেটর গ্যাসের ধোঁয়ায় আমার ভাই মৃত্যু হতে পারে, তাই আমরা দোষীকে যাতে শাস্তি পাই তার জন্য আমাদের আজ এই পদক্ষেপ। আমাদের সন্দেহ সমবায় সমিতির ক্যাশিয়ার আশুতোষ দেবনাথ, যে বর্তমানে এখন আর এখানে নেই, হ্যাঁ সে কি পলাতক? সে এখন পলাতক হয়ে গেছে, আমরা এখনও পর্যন্ত তাকে দেখিনি। আজ দেড় মাস হয়ে গেল আমার ভাই মারা গেছে, তাই তার জন্য আমরা পদক্ষেপ করেছি যে এর দোষী যাতে শাস্তি পায়। কালনা সে রাজকুমার ঘোষ কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।